हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे बैठे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक एचआर एजेंसी या प्लेसमेंट एजेंसी आप खोल सकते हो। तो बेसिकली एक एचआर एजेंसी और प्लेसमेंट एजेंसी खोलने के लिए आपके लिए जैसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा नाम सोचें उस बारे में, उसका अच्छा विजिटिंग कार्ड बनाएं, अच्छी वेबसाइट बनाएं, ओके, उसे आप ऑनलाइन जस्ट डायल वगैरह पे रजिस्टर करें, फ्री रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो आप, तो इस तरीके से आप उसे फेमस कर सकते हो। जब हम आते हैं डिस्कस करने के लिए रजिस्ट्रेशन के बारे में कि आप किस तरीके से लीगल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एक एचआर कंपनी या एचआर एजेंसी के लिए, तो उसके अंदर ऑप्शंस ये है कि आप एक प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट कर सकते हो, या आप LLP कर सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो, या प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हो। ठीक है, मेरा सजेशन रहेगा अगर आप घर से स्टार्ट कर रहे हो या बहुत बेसिक स्टार्ट कर रहे हो और अकेले हो तो प्रोप्राइटरशिप करो उसके लिए रजिस्टर। अगर आप दो लोग हैं जो मिलके करने वाले तो पार्टनरशिप रजिस्टर करो। प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है ये मैंने नीचे एक वीडियो में दिया है, आप उसे देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में भी उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन दो तरीके से होता है, एक है बाय टेकिंग द गुमास्ता लाइसेंस, जिसको शॉपेक लाइसेंस भी बोलते हैं। ये सबसे आसान तरीका है, आप शॉपेक लाइसेंस लेके अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करके एक एचआर एजेंसी शुरू कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन सर्विस टैक्स भी है, अगर आप जो है वो सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन करते हो उससे भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसे आप अपनी एचआर एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप जो है वो गुमास्ता लाइसेंस या सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप इससे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और मैं आपकी हेल्प करूँगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल बी हैप्पी टू कमेंट एंड आंसर योर क्यूरीज। बाय बाय, टेक केयर।